हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं वीवो V9 को वीवो X21 के साथ। हम इन दोनों का डिटेल कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों स्मार्टफोन्स में से कौन सा स्मार्टफोन जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होने वाला है। हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इनके क्या प्रोज हैं, क्या कौन से हैं। दोस्तों, ये दोनों ही स्मार्टफोन जो हैं वो बहुत ही कमाल के हैं, बहुत अच्छे स्मार्टफोन हैं वीवो की जानिब से। दोस्तों, इन दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में मुकम्मल तौर पर जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम अली बख्श और आप देख रहे हैं कमाल की वेट्स। दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर हमें 1080x2280 का डिस्प्ले मिल जाता है, 19:9 का एस्पेक्ट रेशो मिल जाता है, नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाता है दोनों ही के अंदर। स्क्रीन साइज के मामले में दोनों में कोई फर्क नहीं है, तकरीबन दोनों एक ही तरह के हैं। दोनों ही के अंदर में मिल जाता है फुल एचडी प्लस डिस्प्ले। वीवो V9 के अंदर में मिल जाता है IPS डिस्प्ले, जबकि वीवो X21 के अंदर में मिलता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले। ये दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो है IPS डिस्प्ले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। इसमें आपको बहुत ही अच्छे कलर्स देखने को मिल जाते हैं। ये डिस्प्ले जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइटर है IPS डिस्प्ले के मुकाबले में। तो डिस्प्ले के मामले में वीवो X21 जो है वो वीवो V9 से काफ़ी ज़्यादा आगे है। अब बात करते हैं चिपसेट की। वीवो V9 के अंदर हमें जो चिपसेट देखने को मिलता है वो मिलता है स्नैपड्रैगन का 626 का चिपसेट। इसके अंदर हमें एक ऑक्टाकोर CPU देखने को मिल जाता है, जबकि वीवो X21 के अंदर हमें जो चिपसेट मिलता है वो मिलता है स्नैपड्रैगन का 660 का चिपसेट। इसके अंदर भी हमें एक ऑक्टाकोर CPU देखने को मिलता है। तो वीवो X21 का जो चिपसेट है वो वीवो V9 के चिपसेट से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो वीवो X21 के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस मिल जाएगी वीवो V9 के मुकाबले में। दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आपको सेम GPU मिल जाता है, यानी कि एड्रीनो का 512 का GPU। दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आपको सेम OS मिल जाता है, यानी कि एंड्रॉयड का 8.1 ओरियो, जिसके ऊपर मिल जाता है आपको वीवो का फनटच OS 4। वीवो V9 की जो बैटरी है वो है 3260 mAh की, जबकि वीवो X21 की जो बैटरी है वो है 3200 mAh की। तो बैटरी के मामले में कुछ खास फर्क नहीं है, दोनों की बैटरी एक जैसी ही है। वीवो V9 के अंदर हमें जो रैम मिलती है वो मिलती है 4GB की रैम, जो कि काम करती है 800 MHz पे, जबकि वीवो X21 के अंदर हमें जो रैम मिलती है वो मिलती है 6GB की रैम, जो कि काम करती है 1866 MHz पे। तो वीवो X21 के अंदर आपको ना सिर्फ ज़्यादा रैम मिलती है जबकि बल्कि बहुत ही अच्छी और बहुत फास्ट रैम मिल जाती है। वीवो V9 के अंदर में मिलती है 64GB की इंटरनल स्टोरेज, जबकि वीवो X21 के अंदर में मिल जाती है 64GB की इंटरनल स्टोरेज या फिर 128GB की इंटरनल स्टोरेज। और दोनों ही स्मार्टफोन्स में आप माइक्रो एसडी कार्ड के थ्रू अपनी स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन वीवो V9 के अंदर में मिल जाता है माइक्रो एसडी कार्ड के लिए डेडिकेटेड स्लॉट, जबकि वीवो X21 के अंदर हमें डेडिकेटेड स्लॉट माइक्रो एसडी कार्ड के लिए नहीं मिलता, हमें मिलता है हाइब्रिड स्लॉट। दोनों ही मोबाइल फोन्स में आपको तकरीबन एक ही तरह के सेंसर्स मिल जाते हैं। आपको जायरोस्कोप का सेंसर भी मिल जाता है, आपको ई कंपास का सेंसर भी मिल जाता है। अब बात करते हैं कैमरास की। वीवो V9 और वीवो X21 दोनों ही की बैक पे हमें ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। वीवो V9 की बैक पे हमें मिलता है एक कैमरा 16 MP का, जबकि दूसरा कैमरा हमें मिलता है 5 MP का। जबकि वीवो X21 के अंदर हमें बैक पर एक कैमरा मिलता है 12 MP का, जबकि दूसरा कैमरा मिलता है 5 MP का। वीवो V9 के हमें फ्रंट पे मिलता है 24 MP का सेल्फी कैमरा, जबकि वीवो X21 के फ्रंट पे हमें मिलता है सिर्फ 12 MP का सेल्फी कैमरा। अगर बैक कैमराज की बात करें तो वीवो X21 के जो बैक कैमराज हैं वो ज़्यादा बेहतर मालूम होते हैं वीवो V9 के बैक कैमरा से। अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो वीवो V9 का जो फ्रंट कैमरा है वो ज़्यादा बेहतर मालूम होता है वीवो X21 के फ्रंट कैमरा से। बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन्स की प्राइजेस की। वीवो V9 की जो इंडिया में प्राइस है वो है तकरीबन 22,000 रुपये के आसपास, जबकि वीवो X21 की जो प्राइस इंडिया में हो सकती है वो हो सकती है तकरीबन 36,000 रुपये के आसपास। तो इंडियन करेंसी के हिसाब से तकरीबन 14,000 रुपये का फ़र्क है, जो कि काफ़ी बड़ा फ़र्क है। अगर हम बात करें पाकिस्तानी करेंसी की, तो पाकिस्तानी करेंसी में वीवो V9 की जो प्राइस है वो है तकरीबन 38,000 रुपये के आसपास, जबकि वीवो X21 की जो प्राइस है वो हो सकती है तकरीबन 50,000 रुपये के आसपास। इन दोनों स्मार्टफोन्स की प्राइस के दरमियान काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, और वीवो V9 भी एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। अगर आप वीवो V9 का स्मार्टफोन बाय करते हैं तो भी आप एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन बाय कर रहे होंगे। इसके अंदर भी आपको एक बहुत अच्छा चिपसेट मिल जाता है, बहुत अच्छे कैमराज मिल जाते हैं, अच्छी बैटरीज मिल जाती है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, अच्छी रैम मिल जाती है। आप बिल्कुल भी मायूस नहीं होंगे और आप अपने बहुत सारे पैसे भी बचा पाएंगे। दोस्तों, मैंने वीवो X21 और वीवो V9 के ऊपर भी अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं, आप चाहें तो उन दोनों वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।